नमस्कार, मेरा नाम विवेक परिहार, डायरेक्टर लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन। तो लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन जैसे अलग अलग डोमेन्स पे काम करती हैं, तो इस बारी जो हमारा एक आने वाला इवेंट है, दैट इज़ नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस इवेंट ये जो होने वाला है 5-6-7 तारीख को आने वाली होने वाला है, जिसमें हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे, जिसमें हमारे पोस्टर मेकिंग्स रहेंगे, कल्चर प्रोग्राम्स रहेंगे, सिंपोजियम्स रहेंगी और अवेयरनेस रैली रहेगी ड्रग्स के ऊपर। और इस रैली में जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है वो J&K पुलिस है, और इस रैली का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे SSP जम्मू करेंगे। तो ये पूरा इवेंट है जो 3 दिन का होने वाला है, जिसमें युवा आएंगे और युवा एक दूसरे के साथ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा थीम रहता है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नेशनल इंटीग्रेशन में सहभाग देंगे अपना। और इस पूरे इवेंट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो हमारे तला ज्वेलर्स हैं, जो जम्मू के एक फेमस ज्वेलर्स हैं, उस पूरे इवेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं। कितने पार्टिसिपेट इस पूरे इवेंट में? 250 से 300 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसमें 100+ हमारे बाकी स्टेट से होंगे और 200 के ऑलमोस्ट हमारे जम्मू कश्मीर से होंगे पूरे। और ये पूरा इवेंट होने वाला है गांधीनगर कॉलेज जम्मू में। सर, इसमें ऐसा सच विनिंग प्राइज नहीं है कोई, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन्स होंगे वो वॉलेंटियर बेसिस पे होंगे। और जो इसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट से, उसमें स्पेशली हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको हम ऑनर कर रहे हैं, जो अलग अलग स्टेटों से हैं, जो अलग अपनी अपनी फील्ड में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑनर सेरेमनी है। प्लस ये एक यूथ एक्सचेंज है, इसमें ऐसा प्रोग्राम। उसी तरीके से हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है आने वाली, ये एक नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रहेगा, प्लस नेशनल यूथ एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी इसमें रहेगी, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से बच्चे जो आएंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो सोशल एक्टिविस्ट होंगे जो अलग अलग स्टेटों से आ रहे हैं उनको उनका एक अवार्ड फैसिलिटेशन प्रोग्राम रहेगा। इस पूरे इवेंट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो हमारे तला ज्वेलर्स हैं। इस इवेंट में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसे हमारा सिंपोजियम कॉम्पिटिशन्स हो गए, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, अवेयरनेस रैलीज होंगी। तो इस तरीके का हमारा एक शाम के टाइम कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, क्योंकि एक बार स्टेज बार जब अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे तो कल्चर एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके का हमारा एक 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सबके माध्यम से हमारी यही जम्मू के लोगों से अपील है, स्पेशली यूथ से अपील है कि वो इस इवेंट में आए और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस इवेंट की जो थीम है वो ड्रग्स अवेयरनेस के ऊपर है। जितने भी कॉम्पिटिशन रैलीज होंगी वो सब ड्रग्स के ऊपर होंगी। तो हमें पता कि दिन ब दिन जो है ड्रग्स के केसेस हमारे पूरे इंडिया में J&K में बढ़ रहे हैं, तो इसको फाइट करना यूथ का ही काम है। वो आएंगे तभी हम इसके ऊपर एक बात रख पाएंगे, और इस ये जो दिक्कत है हमारे पूरे इंडिया में उससे हम फाइट करने में, यूथ को मोटिवेट करना इस पूरे इवेंट का मोटिव रहेगा।